मंदिर, शिव गंगा मंदिर, भैरव मंदिर, शीतला माता मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर, शिवपुरी सामुदायिक भवन, खुला रंग मंच, धर्मशाला, परशुराम मंदिर, प्रशासनिक कार्यालय, इतना सारा कुछ है इसमें, इस प्रांगण में। वाह, अद्भुत। ज्ञान द्वार, वैराग्य द्वार, ऐश्वर्य द्वार, श्रद्धा द्वार, वरुण द्वार, सुदर्शन द्वार, उसी तरह देखो, वो भी कर रही है ना, जैसे स्वर्ण मंदिर में। तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं होटल में और फिर से ब्लॉग को कर लेती हूँ क्लोज, मैं पीछे ब्लॉग को, अब फिर से न्यू ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोग का वेलकम है और हम हैं अमृतसर पंजाब, गुरुद्वारा हरविंदर सिंह के पास हमारा होटल है, उसमें स्टे किए हुए हैं। और अभी हम लोग जो जलियांवाला बाग वगैरह देख लिए और गुरुद्वारा के आसपास जाके शॉपिंग वगैरह भी कर ली। शॉपिंग क्या की अगले ये मैं दिखाऊंगी, ब्लॉग में दिखाऊंगी वहां पहुंच के, घर पे पहुंच के। तो अभी फिर हम लोग कहीं जाएंगे, अब 12 बजे हम लोग को होटल छोड़ना है, तो आधे घंटे का हमारे पास समय है। तो आधे घंटे थोड़ा रेस्ट करके अपना पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। और हमारी कैब वगैरह आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे अमृतसरी कुलचे की जगह ना पराठे पराठे बोल रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो बहुत सारे पराठे हम लोग खाए थे, हर वैरायटी के, मिक्स भी और पनीर भी, जो भी आलू जितने सारे थे तो सारे कुलचे हमने खाए थे और बहुत टेस्टी था, बहुत सारा बटर डाल के। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और हाँ, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा भी लगता है कि हाँ मेहनत करती हैं ये, कहीं जाती हैं तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ, एक दिन में दो दो तीन तीन ब्लॉग शूट करती हूँ। और मेहनत लगता है, धूप भी रहती है बहुत ज़्यादा और मेहनत पड़ता है, लेकिन आप लोग को लगता है कि थोड़ा भी मेहनत करती है जायज़ में, तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए लाइक कमेंट शेयर करके। और एक कमेंट आप लोग का मोटिवेशन का काम करता है, तो इससे और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोग के लिए। अब ये हमारा नीचे रिसेप्शन है होटल का, तो हम चेकआउट कर रहे हैं, तो उसका सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं जेंट्स लोग। और अभी बाहर हमारी कैब आ चुकी है तो हम जाने वाले हैं, और इस जगह जाने वाले हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अमृतसर में ऐसी भी कोई जगह है जहां घूमी जा सकती है। तो आप लोगों को पक्का, आप लोग भी चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और एक जानकारी मिलेगी कि जब भी आपका भी अमृतसर आओ तो आप इस जगह पे ज़रूर दर्शन करने के लिए आओ। तो ये है दुर्गायन तीर्थ, दुर्गा जी का मंदिर कहलाता है यहाँ पे, तो दुर्गायन तीर्थ के नाम से। तो ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं और चलिए आप लोग को भी वहाँ पे दर्शन कराते हैं। और बीच बीच में मैं वॉइस ओवर करते रहूँगी, बताते रहूँगी जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से। तो ये मंदिर के परिसर के बीचों बीच विशाल सरोवर है और ये सरोवर को पार करके ही मुख्य मंदिर तक पहुंचते हैं। और एक साइड में मुख्य मंदिर है जहां पे लक्ष्मी नारायण भगवान जी स्थापित हैं, और दूसरी तरफ जो है बड़े हनुमान जी हैं और शीतला माता मंदिर भी है, तो शीतला माता मंदिर के नाम से भी बहुत वहाँ पर प्रसिद्ध हैं ये मंदिर। तो बहुत ही सुंदर है और एकदम से लगता है जैसे स्वर्ण मंदिर की तरह ही इसकी रूपरेखा रखी गई है। पूरी सामुदायिक भवन, खुला रंग मंच, धर्मशाला, परशुराम मंदिर, प्रशासनिक कार्यालय, इतना सारा कुछ है इसमें, इस प्रांगण में। वाह, अद्भुत। ज्ञान द्वार, वैराग्य द्वार, ऐश्वर्य द्वार, श्रद्धा द्वार, वरुण द्वार, सुदर्शन द्वार, लक्ष्मी द्वार, ये इस तरह से द्वार बने हुए हैं। वाह, कुबेर द्वार, सारे द्वार बने हुए हैं। सूझ रखने के लिए जोड़ा घर फ्री सेवा, ये लिखा हुआ है, पहली बार देखिए सूझ की जगह जोड़ा घर फ्री सेवा। तो जूते वगैरह रखने के बाद थोड़े फूल ले लेते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, जो कि फूल प्रसाद वगैरह उपलब्ध है। और जो सामने दिखा हो, सामने एंट्री मेन गेट है और ये बाहर में ये सारा भरा रखा है कि क्या क्या है इसके अंदर में विस्तार रूप से। और ये देखिए ऐसे ये अंदर है, ये जो गेट की तरफ अब हम चल रहे हैं, ये वाला गेट जो सामने दिख रहा है इसके अंदर, ये अब ये यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और देखिए कितना बड़ा सा, पर एंट्री करते ही घंटी, और जैसे ये सामने से चल रहा है ना तो दोनों साइड से इसके सरोवर है,
तो बहुत ही आनंद आए, बहुत सुंदर है और बहुत विशाल है। मैंने सोच नहीं सकते जो पहली बार जाएंगे तो बहुत ही, और मैं भी पहली बार गई, एक बार तो पहली बार जाओ तो खुद आपको पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, तो और इतना टाइम नहीं होता कि आप रुक के पहले सारा कुछ देखो फिर आप ब्लॉग स्टार्ट करो। तो जितना मुझे हो सका था मैं कोशिश की आप लोग को भी दिखाने की, और धूप बहुत तेज थी तो मुझे खुद स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था कि क्या मुझे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारे पतिदेव जी परेशान हो जाते हैं मुझे कि चलो यार, चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोगों को भी बहुत आनंद आने वाला है। यहीं से फोटो लेते हैं, मंदिर का फोटो वीडियो बनाना मना है, इसलिए देखिए ये द्वार अभी बंद है, 15 मिनट बाद खुलेगा, तब तक मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ। वाह अंदर फोटो खींचना मना है। अंदर कैमरा ये हो रहा है, चलिए सत्संग हो रहा है, बैठते हैं। इनका बैठे है ही नहीं, चलो आप पूरा चारों बगल जल जल है और जल के एकदम, ये देखिए ये हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। ये देखो राम से लक्ष्मण सीता केवट पैर धो रहे हैं, ये केवट पैर धो रहे हैं। ये साइड अब चल पूरा चारों बगल घूम लिए, सामने देखिए बना हुआ है ना, कृपया परिक्रमा इस तरफ से कर रहे हैं, उल्टा हम कर रहे हैं, उल्टा चल तो फिर बंगाल हनुमान मंदिर लंगोड़ो वाला। इधर शीतला माता मंदिर, चल शीतला माता मंदिर में 700 वर्ष पुरानी का है, ये लिख रखा है 700 वर्ष प्राचीन शीतला माता मंदिर। जय श्री राम, सिद्धपुरा हनुमान मंदिर।
वाह जय बजरंग। ये जो पेड़ दिख रहा है विशाल का पेड़ जिसकी पूजा कर रहे हैं लोग, तो कहते हैं कि लव कुश ने हनुमान जी को इस पेड़ से बांध दिया था जब अश्वमेघ के लिए घोड़ा जब छोड़ा था ना, तो हनुमान जी भी आए होंगे ना ढूंढते हुए। तो बताइए ये सब इतने पुराना, कितना सालों बरसों पुराना सारा कुछ संभाल के रखा हुआ। और देखिए छत के गुंबद कितना सुंदर लग रहा है। बने रहिएगा ब्लॉग में। वापस सब मंदिर से निकलते हुए दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया। और इतना बड़ा मंदिर का परिसर था कि आप एक एक ब्लॉग बनाऊँ ना मैं डिटेल में, तो एक एक ब्लॉग एक एक चीज़ का बनेगा, क्योंकि स्पेसियस ही इतना है कि आप कि क्या रखूँ क्या कट करूँ समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा लॉन्ग ब्लॉग हो ही जाता है इस चक्कर में। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं अब कहाँ चलते हैं, किस जगह मार्केट कह रहे हैं, एक लोकल मार्केट यहाँ पे खुली हो। संडे को ऐसे मार्केट वगैरह बंद रहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मिलता है। और टाइम हो रहा है एक बज रहा है। रौनक पंजाबी जूती, वाह। चलिए ये तो चप्पल है ये। क्या क्या रेट का है? ज्ञानी जी की लस्सी, लेकिन गाड़ी लगाने की जगह नहीं, गाड़ी के अंदर से। ये जूती का शोरूम भी बहुत फेमस था, तो वहाँ पे हमें टैक्सी ड्राइवर लेके आया और वहाँ से हम लोग लेके फिर ये ज्ञानी जी की लस्सी, कहते हैं यहाँ आओ अमृतसर ज्ञानी जी की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, तो लेकिन गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। और ब्लॉग हो गया है लंबा, तो हम अगले ब्लॉग में बताएंगे कि ज्ञानी जी की लस्सी का टेस्ट कैसा था। तो लस्सी तो आ गया है, लेकिन टेस्ट अगले ब्लॉग में बताएँगे। प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में, और भी बहुत कुछ है।